कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों को कितनी उनकी आबादी और कितना सम्मान उनको मिल रहा है, कितनी हिस्सेदारी उनको मिल रही है, तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सबसे पहले स्पष्ट ही नहीं होगा जो आज षड्यंत्र किया गया है और कुछ लोगों को जानबूझ के उनके मुंह से कहलवाया जा रहा है कि इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देके कहता हूं, अपने बहुजन समाज के सामने जातिवार जनगणना कराइए, उसके आंकड़े सार्वजनिक कराइए। अगर अंतिम पायदान पर रहने वाले जिनको डीएससी के भाई कहा गया है, जो हमारा परिवार है, अगर उनका 1% आरक्षण भी प्वाइंट के बराबर भी कमजोर पड़ रहा होगा तो मैं वचन देता हूं कि इससे बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप याद करो, जब से इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, इस आरक्षण को खत्म करने के लिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो या और कोई मनुवादी दल रहा हो, इन्होंने एडी चोटी के जोर लगाए और आज जिन जातियों को गाली दी जा रही है ये वही जातियां हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा की और आज भी इस देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए गोलियां खाई लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दुश्मन का ये षड्यंत्र है और दुश्मन बड़ा समझदार है। दुश्मन जानता है कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में ये दलित समाज एकजुट हो गया था। जब दलित समाज एकजुट हुआ तो वो ये सोचने लगे कि इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए। आप और मैं जानते हैं जब हम मुट्ठी बनकर रहेंगे तो कोई हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता, लेकिन जब जब हम बट जाएंगे, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अगर आप झाड़ू की सिक्कों को इकट्ठा कर दोगे वो सिक्के जो हैं एकजुट हो जाएंगे, उनको बांध दिया जाएगा तो वो सारा कचरा साफ कर देंगे, लेकिन अगर उन वो जो सिक्के होते हैं अगर आपने उनको अलग अलग कर दिया तो वो कचरा साफ नहीं कर पाएंगे, वो खुद कचरा बन जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं बनेगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज में भाईचारे की बात की और आप महसूस करो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें शिक्षित भी बनना है, संगठित भी होना है और अपने विरोधियों बैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। मैं जब देश के बाहर गया तो मैंने देखा कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल है, उनकी जिंदगी अच्छी बन रही है, लेकिन उनकी जिंदगी तो अच्छी बन रही है लेकिन 75 साल की आजादी के बाद आज भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा मकान से वंचित है, जिनको इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही। तो मैं देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन जब मैं भारत की तरफ देखता हूं तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। फिर ये महसूस करता हूं कि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे महान पुरुषों की संघर्ष की वजह से है। अगर हमारे महान पुरुष संघर्ष नहीं करते तो जो आज हमें मिला है ये भी हमें किसी कीमत पे नहीं मिलता। आप जानते हैं हमेशा आरक्षण के खिलाफ चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या मनुवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था।
अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली धर्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, लेकिन सत्ता में आके ये लोग अपने लोगों का काम करने लगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे और हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज लोग, जुल्म जाति के शिकार लोग परेशानी की जिंदगी जीने लगे। मैं चाहता हूं कि जो जिंदगी हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में जी रहे हैं, ऑस्ट्रिया में जी रहे हैं, इटली में जी रहे हैं, यूरोप में जी रहे हैं, पूरे अमेरिका में जी रहे हैं, कनाडा में जी रहे हैं, हॉलैंड में जी रहे हैं, नीदरलैंड में जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी की व्यवस्था भारत में भी हो। लेकिन ये तभी संभव है जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास हो। अगर राजनीतिक शक्ति भाजपा और कांग्रेस के पास रहेगी तो हम लोग इज्जत की जिंदगी देश में नहीं जी सकते, इस बात को आप लोग मेरी ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी और राजनीतिक सत्ता जिनके पास है उनके लोग हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते, उनके लोग उनके पूंजीपतियों के लाखों लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते। लेकिन अगर आपका 10,000 रुपए का बिल भी बाकी हो तो 10,000 रुपए का बिल भी अगर आप नहीं दोगे तो मुकदमा लिख के आपको जेल भेजने का काम सरकार कर देगी और आपके घर की कुर्की भी करा देगी। आप किसानों का, मजदूरों का हाल देख लो, आप नौजवानों का हाल देख लो, इस देश में क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, आप समर्थन करके बताना कि आप इस पर सहमत हो या नहीं हो। बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक सुर में बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? साथ साथ इस देश में जातिवार जनगणना के साथ साथ जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो जुडिशरी हो जहां से हमारे खिलाफ लगातार फैसले आते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो और कोई सरकारी संस्था हो, सब लोग सब जगह पर आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात। साथ साथ हमारी ये भी मांग है जो मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई कि निजी क्षेत्रों में आप इस बात को समझो गौर करके, इस देश में 2% सरकारी नौकरियां, कितने परसेंट जोर से बताओ? 98% प्राइवेट सेक्टर है, कुछ ऑर्गेनाइज है, कुछ अनऑर्गेनाइज है। आप ये देखो 2% में तो बंटवारा है, लेकिन 98% पे पुरानी सत्ता वाले लोग और आज की सत्ता वाले लोग सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं। ना वहां एससी एसटी के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व है, ना ओबीसी के लोगों का है, ना ही मुस्लिम लोगों का है। तो हमारी मांग ये भी है कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, जोर से बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। साथ साथ हमारी ये मांग है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन भी इस देश में लागू होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के लोगों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन भी सरकारी संस्थानों में लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए? बताओ, जोर से बताओ। हमारी ये भी मांग है कि मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू नहीं होगी तब तक पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी और सम्मान नहीं मिले। हमारी ये भी मांग है, सरकार कह रही है कि क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए और जज साहब भी कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि भारत में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग अरबपति बन गए, इसका डाटा आपको सार्वजनिक करना चाहिए, आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, तब हमें पता लगेगा कि क्रीमी लेयर की स्थिति में हम आए या नहीं आए। आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपको बताता हूं, आज भी
बहुत सारे पदों को एनएफएस करके, नोट फाउंड सुटेबल करके हमारे योग्य लोगों को नौकरी से निकालने का काम ये सरकारें करती हैं, क्योंकि कलम की ताकत उनके हाथ में होती है। जिनकी राज सत्ता पे कब्जा होता है, हमारे लोगों का राज सत्ता पे कब्जा नहीं है, इसलिए सारी योजनाएं हमारे खिलाफ बनती हैं। हमारी ये भी मांग है, जिस पर मैं गौर कर रहा हूं सरकार ने कहा, मैं आज इस पर भी बोलूंगा, आज अगर मैं इस पर नहीं बोलूंगा तो हमारे लोगों को पता ही लगेगा देश में क्या हो रहा है। सरकार ने कहा कि वर्गीकरण लागू होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब आरक्षण पे हमला होता है, जब और किसी तरीके से आरक्षण को खत्म किया जाता है, जब गांव-गांव जाके लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है, तब जिन जातियों को आज सरकार के इशारे पे गाली दी जा रही है, उनको ही उन्हीं की जिम्मेदारी मान के लोग घर में बैठ जाते हैं कि भाई यही आरक्षण की रक्षा करेंगे, यही अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन सच ये है, अगर सरकार की मंशा वर्गीकरण के जरिए वास्तविकता में निचले पायदान पे बैठे अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाने की होती, तो जिस तरह से 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, 10% आरक्षण की व्यवस्था डीएससी के भाइयों के लिए, डीएससी परिवारों के लिए सरकार कर सकती थी। उनका कोई मतलब नहीं बैठता था कि इन्हीं में टुकड़ा डाल दे, क्योंकि सरकार जानती है इनमें बंटवारा हो जाएगा तो इनके खिलाफ आंदोलन आसान हो जाएगा, इनको पता भी नहीं चलेगा कब इनके अधिकार खत्म हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार बताए उनके पास वर्गीकरण की क्या पॉलिसी है, किस आधार पे वो वर्गीकरण करना चाहते हैं, कौन से आंकड़े उनके पास है, कौन से डाटा उनके पास है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार कमेटियां बना दे और वर्गीकरण किस फॉर्मूले पे करेगी ये भी बता दे, हम सरकार को भी सुनना चाहते हैं। अभी देश में पिछले दरवाजे से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा आमने सामने होगा। अगर हमारे अधिकारों की बात आएगी तो लड़ाई आमने सामने लड़ी जाएगी। सरकार ये भी बताए क्या वह रोस्टर में बदलाव करेगी, क्या सरकार रोस्टर में बदलाव करेगी, सरकार बताएगी। हमारे लोग तो अभी सही तरह से चीजों को नहीं जानते हैं। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, स्पेशली डीएससी के भाइयों को कह रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना, स्पेशली डीएससी के भाइयों को कह रहा हूं, उन जातियों को जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपको एहसास नहीं है, जब देने की बारी आएगी हम बताएंगे अपने भाइयों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह से उनकी हिस्सेदारी दी जाती है। अभी तो हम पे देने कुछ है ही नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, डीएससी के जो हमारे भाई हैं, वाल्मीकि समाज के भाई हों, धानुक समाज के भाई हों, और बागड़ी समाज के भाई हों, और किसी सैसी समाज के भाई हों, मैं चंद्रशेखर आजाद वचन देके कहता हूं बहुजन समाज के सामने, ये हमारी आपसी बातचीत है, आप दुश्मन के इशारों पे काम मत करो, हम लोग बैठ के अपनी लड़ाई को निपटा लेंगे, हम लोग अपने आप बैठ के चर्चा करके आपके साथ बैठ के, अगर कहीं हमें कुछ डर भी है, आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो या हम लोग समझा नहीं पा रहे, अगर आपको अधिकार मिलता है तो बताओ हमारे किसी व्यक्ति को तकलीफ है क्या, बताओ अगर हमारे डीएससी के भाइयों को अधिकार मिलता, बताओ हाथ उठा के बताओ तकलीफ है क्या हमें किसी को। ये इतना बड़ा जनसमूह गवाही दे रहा है, अगर डीएससी के भाइयों को कुछ मिलता है तो हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन हम इस सरकार की मंशा को जानते हैं, हम इस सरकार को जानते हैं, इनके चरित्र को जानते हैं, ये देना कुछ नहीं चाहती, ये तो इसको अटका के रखना चाहती है। आप ये देख लेना, इन्हीं के कुछ लोग पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे गौर करो, 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने 20,000 पदों पे घोटाला किया, हम लोगों ने आंदोलन किया तो सरकार ने 6,800 नियुक्ति की लिस्ट जारी की, फिर अपने लोगों को हाईकोर्ट भेज के उस पर रोक लगवा दी, फिर हाईकोर्ट में फिर हमारे लोग लड़े तो उन्होंने कहा दोबारा लिस्ट जारी करो, इनको अधिकार मिलना चाहिए, तो वोट लेने के लिए हमारे लोगों के सामने कहा कि भाई मिलना चाहिए, हम समर्थन करते हैं, लेकिन अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया
और सुप्रीम कोर्ट में इनके बैठे जजों ने फिर से उस पर रोक लगा दी, इसलिए हमें इनकी नीयत पे शक होता है। मुझे डर ये भी है अगर ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का तो बहुत बड़ा वॉयलेशन होगा ही, 340 का 341 का लेकिन ए बी का। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये है कि कल जो सरकार सत्ता में आएगी वो किसी भी अन्य जाति के लोगों को शेड्यूल कास्ट में उनको शामिल करके आपके पूरे अधिकार को छिन भिन कर सकती है। अगर ये पावर स्टेट को मिल गई, हमें सरकार की मंशा पे सिर्फ शक है। हमने ये भी मांग की, आपको याद होगा, यूपी के साथी हमारे जानते हैं, हमने पौने दो साल पहले मांग की थी कि जो 52% ओबीसी हैं उनको 27% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने दिया, आबादी से आधा। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ना चाहते हुए सरकार ने कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से रोक लगा के 27% दिया। हमने मांग की पौने दो साल पहले यूपी में गोरखपुर में पीसी करके कि ओबीसी की आबादी तो 52% ही है, तो 15% 27% से अलग, 15% आरक्षण की व्यवस्था अलग से अति पिछड़ी जातियों को करानी चाहिए। मांग हमने पौने दो साल पहले उत्तर प्रदेश में उठाई थी, उसके बाद उसी दिन हमने मांग उठाई क्योंकि हमने नया चरित्र है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को, माननीय काशीराम साहब को अपना नेता मानते हैं, हम ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज को अपना नेता मानते हैं। हमने मांग उठाई थी, हम मामना रामसू वर्मा और सर छोटू राम को अपना नेता मानते हैं, हम चौधरी महाराज सिंह भारती को अपना नेता मानते हैं, हम कोतवाल धन सिंह गुजर को अपना नेता मानते हैं। हमने मांग उठाई थी कि भाई हमारी आबादी बढ़ रही है, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई और जो जनगणना हुई उसके आंकड़े जारी नहीं हुए, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जिन जातियों को अवसर नहीं मिले पहले तो उनको तैयार किया जाए और फिर उनको 5% अतिरिक्त आरक्षण शेड्यूल कास्ट में 15% अतिरिक्त देकर उनको मुख्य धारा में लाया जाए। जब हम दो साल पहले इसकी मांग कर रहे हैं तो हम डीएससी के भाइयों के विरोधी कैसे हो सकते हैं, आप लोग बता। तब तो वो आंदोलन भी नहीं चला रहे थे, हम तो आंदोलन चला के मांग कर रहे थे कि मिलना चाहिए मिलना चाहिए। लेकिन मैं आज भी कहता हूं, हमारी ये मांग है कि अब समय आ गया देश में कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, आरक्षण की कैप खत्म की जानी चाहिए और 100% रिजर्वेशन इस देश में लागू होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का लाभ उनको मिलना चाहिए। आप फिर कह रहा हूं जातिगत जनगणना कराओ और 100% आरक्षण करो, मैं तो स्वर्ण जातियों का सबसे बड़ा हितैषी हूं, उसको 10% आरक्षण क्यों दे रहे हो? मेरी ये मांग है, मैं तो अपने लोगों के आरक्षण में तेरी उनके लिए मांग करता हूं, उनकी आबादी तो 15% भी नहीं है, मैं ये कहता हूं कि उनका अलग से ब्लॉक बना के उनको 20% आरक्षण सरकार को देना चाहिए और 80% आरक्षण को एससी एसटी ओबीसी के लिए फ्री कर देना चाहिए। जबकि काशीराम साहब तो 85% की बात करते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि उनमें भी लोग गरीब हैं, इसलिए मैं उनका 5% और बढ़ा रहा हूं। लेकिन पहले देश को ये तो बता दो जातिगत जनगणना करा के कि भाई अभी तक उनका प्रतिनिधित्व कितना है, अभी तक उनकी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी कितनी है और कितनी कमी उनकी है जो आपने 10% उनको दे दिया। आज हम लोग एक और मांग भी उठाते हैं कि कास्ट का आरक्षण बढ़ा के उसकी संख्या के आधार पे 25% करना चाहिए। बताओ सहमत हो नहीं सहमत हो, जोर से हाथ लगा के दोनों हाथ लगा के बताओ सहमत हो नहीं सहमत हो। तो ये हमारी वो मांगे हैं जिनके लिए आज हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, और हम इकट्ठा नहीं हुए, आज तो मजबूरी या अपने देश से प्यार था
कि हमने अपने आंदोलन को बदलाव कर लिया। अगली बार अधिवेशन तो होगा इंदौर में, लेकिन जब होगा तो इस बार एक और बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान में, और रामलीला मैदान से अपनी ही पार्लियामेंट का घिराव करके अपनी मांगों को उठाने के लिए हम लोग करेंगे। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे?